बहुत खुशी लग रही है, जैसे लग रहा है हमारे लिए त्योहार है, क्योंकि हमारा भाई मनीष कश्यप को जिस तरीके से उन पे अत्याचार हो रहा था जेल में, एक क्रांतिकारी है हमारे मनीष भैया और सन ऑफ बिहार हैं। हमारे मनीष भैया को आज जमानत मिली है, एनएसए हट गया है। पूरे 13 करोड़ बिहार वासियों के लिए आज दिवाली का पर्व है, समझ लीजिए। छठ मैया का कृपा है, कुछ कराना चाहती है बिहार में, कुछ बड़ा कराना चाहती है, पापियों का संहार कराना चाहती है। मनीष कश्यप यहाँ पे है, एक तो योगी और मोदी और मनीष कश्यप यहाँ पे है, ये तीन निकल नहीं सकते। खुशी है कि शेर आ रहा है, है ना, आके बैंड बजाएगा। किसकी बैंड बजाएगा? चारा चोर का। बिहार के लिए आज का दिन जो है एक ऐतिहासिक दिन है, जो कि गरीब वंचित शोषित की आवाज बिहार में और बिहार के बाहर भी बिहारियों का पक्ष लेकर जो है मनीष जी जो उठाते थे, ये वाकई तारीफ वाली बात है। और आज बहुत बड़ी खुशखबरी के दिन है, धनतेरस के पावन अवसर पर जी। और छठी मैया कृपा होगी तो वो जल्द ही 2-4 दिन के अंदर जो है हम सब बिहार वासियों के बीच में होंगे। दिवाली छठ से पहले ही धनतेरस के दिन ये खुशखबरी आ जाती है कि मनीष कश्यप के सर पर, मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए का दाग था वो अब हट गया है। जी हाँ, सुधीर पांडे जी मौजूद है, लगातार मनीष कश्यप के लिए आवाज उठाते हैं, इनसे बात करेंगे। खुश हैं कि नहीं आप? पूछना नहीं है, नहीं बताइए पहले। अरे अंदाजा नहीं है भाई, फिर भी कितने हनुमान जी नहीं कि सीना चीर के दिखा दें। कितने खुश हैं? पूछो मत। हाँ। हमारी दिवाली छठ सब हो गया। अच्छा। निकल हो गया। हाँ। आज यही हम लोग जितना जब से सुने हैं तब से डांस कर रहे हैं। अच्छा, क्या बोलेंगे लोग, कहते थे वो तो देशद्रोही हैं। देशद्रोही हैं? हाँ। तो एनएसए कैसे हट गया? हाँ। जवाब मिल गया ना भाई, जज पूछा होगा ना जी। कि भैया किस आधार पे लगाए हो? आधार कोई होगा ना, सबूत नहीं था तभी ना एनएसए हटा, सबूत नहीं था तभी ना उनको उस हर मामले में जमानत मिला। अच्छा, कहते हैं कि देर से ही सही सच्चाई की ही जीत होती है, और जो बिहार का बेटा बिहार वासियों के लिए लगातार आवाज उठाता था, छठ से पहले ये खुशखबरी आना क्या संकेत देता है? संकेत क्या है भाई, छठ मैया का कृपा है जी। कुछ कराना चाहती है बिहार में, कुछ बड़ा कराना चाहती है, पापियों का संहार कराना चाहती है। क्यों वो बंद है? वो अत्याचार नहीं है? उसकी माँ इतने दिन रोई, वो अत्याचार नहीं है? उसका भाई तड़पा, वो अत्याचार नहीं है? उसके बाप के साथी बॉर्डर पे उस क्या सोचता होगा, वो अत्याचार नहीं है? उसके घर से सारा सामान उठा लिया गया, अत्याचार नहीं है? अब दूसरा भी अत्याचार होता है क्या? क्या लग रहा है कि अब जिस तरीके से खुशखबरी आई है वो इन सारी चीजों पर पर्दा डाल रही है, क्योंकि खुशखबरी के आगे तो कुछ सूझ नहीं रहा लोगों को? नहीं, खुशखबरी तो है जी, लेकिन वो भूलेगा? एक यहाँ कट जाता है तो दाग मिटता है? मिटता है पर बाद में नहीं, वो जिंदगी भर रहता है। खुशी है कि शेर आ रहा है, है ना, आके बैंड बजाएगा। किसकी बैंड बजाएगा? चारा चोर का। अच्छा। हाँ, और क्या। हाँ, मनीष कश्यप आएगा, चारा चोर की बैंड बजाएगा। अच्छा। अब जो हो चारा चोर, मैं किसी पार्टी पौआ का नाम नहीं ले रहा हूँ, देश समझेगा जानेगा। यानी कि सब मिला जुला के आप खुश हैं ना? ये भी कहने वाली बात है। बिल्कुल, तो देखिए मनीष कश्यप के चाहने वाले तमाम है, उन्हीं में से सुधीर पांडे जी भी है, हालांकि कुछ लोग से और बात करेंगे। कैसा लग रहा है? मैम आज बहुत खुशी लग रही है, जैसे लग रहा है हमारे लिए त्योहार है, क्योंकि हमारा भाई मनीष कश्यप को जिस तरीके से उन पे अत्याचार हो रहा था जेल में, एक क्रांतिकारी है हमारे मनीष भैया और सन ऑफ बिहार हैं। हमारे मनीष भैया को आज जमानत मिली है, एनएसए हट गया है। पूरे 13 करोड़ बिहार वासियों के लिए आज दिवाली का पर्व है, समझ लीजिए। 2 दिन बाद दिवाली, लेकिन आज ही हम लोग पटाखे फोड़ेंगे, आज ही लोगों को मिठाई उठाई खिलाएंगे, क्योंकि हमारा भाई आ रहा है। अब ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अब इनकी उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है। जब आपने सुना कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट गया, कोर्ट में सुनवाई हुई एनएसए वाले मामले पर, तो उस वक्त कैसा लगा, क्या दिल में आया? मैम एकदम मैं कह रहा हूँ खुशी से, जैसे भगत सिंह थे ना, उनके वो जब मतलब वो तो चूम लिए थे फांसी को, फंदे को, ऐसे हमारे मनीष भैया हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि क्रांतिकारियों को जेल है तो जेल। और जब इनको जमानत मिली, मैं कह रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा था, न्यूज देख रहा था, जमानत तो अभी कहाँ मिली? जमानत नहीं मिली, 1-2 मामले में अभी उनपे चल रहे हैं बिहार में। लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई, मैं अपने घर के लोगों से, लोग कह रहे क्या हो गया, मैंने कहा भाई साहब आज हमारा भाई छूट गया, शेर अभी छूटेंगे, मतलब जो मेन मामला था, जो राष्ट्रद्रोह का ये लगा रहे थे मुकदमा, उससे इनको हो गई है राहत। और मनीष भैया ने इस पे याचिका भी डाली थी कि सामने मामले एक जगह सुनवाई हो, लेकिन ये इन्होंने नहीं किया। और इनको कहते हैं कि अब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ वो होगी पेशी, लेकिन 1-2 मामले हैं जो ये कहते हैं कि बैंक कर्मचारी से मारपीट का, ये सब मामले छोटे मोटे मामले, इसमें जमानत मिल जाएगी। सना बिहार मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट गया, सुनवाई हुई है, फैसला आया, कैसा लग रहा है? सर बहुत, बिहार के लिए आज का दिन जो है एक ऐतिहासिक दिन है, जो कि गरीब वंचित
शोषित की आवाज बिहार में और बिहार के बाहर भी बिहारियों का पक्ष लेकर जो है मनीष जी जो उठाते थे, ये वाकई तारीफ वाली बात है। और आज बहुत बड़ी खुशखबरी के दिन है धनतेरस के पावन अवसर पर जी। और छठी मैया की कृपा होगी तो वो जल्द ही 2-4 दिन के अंदर जो है हम सब बिहार वासियों के बीच में होंगे। और छठी मैया से मनाना चाहता हूँ कि बिहार को बदलने के लिए जो है मनीष कश्यप को शक्ति दीजिए ताकि वो बिहार को बदले, बिहार में भ्रष्टाचार से निजात दिलाए लोगों को और फिर से एक नया बिहार का निर्माण करे। क्या बोलिएगा? देखिए बहुत खुश है और हम सबके लिए खुशी की बात है क्योंकि देखिए मनीष कश्यप जब से वो जेल गए हैं तब से देखिए बिहार का आवाज जो है ना जिस तरीके से वो उठाते थे, पत्रकार बहुत है, नेशनल पत्रकार भी है और कुछ यूट्यूबर भी है जो पत्रकारिता लगातार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मनीष कश्यप आवाज को उठाते थे वैसे कोई नहीं कर रहा था। तो मनीष कश्यप अब जेल से बाहर आ रहे हैं, हम सबके लिए खुशी की बात है और वो फिर से आएंगे और वैसे ही जैसे आवाज उठा रहे थे लोगों के लिए, जो मिट्टी का जो मुद्दा था वो लगातार जो मतलब अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते थे वही करेंगे और फिर बिहारियों का जो आवाज है वो बुलंद होगा हमेशा। देखिए मेरा एक सवाल है मैडम जी कि छठ पूजा हम बिहारियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, छठ पूजा मतलब ऐसा त्यौहार होता है कि हम लोग सब कुछ छोड़ के अपना त्यौहार मनाने जाते हैं, लेकिन क्या मनीष भैया को छठ पूजा के दिन इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? जो एक दो मामले इन पे चल रहे हैं उस पर जमानत क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो कानूनी प्रक्रिया है ना भैया, कानूनी प्रक्रिया, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल जाती है शराब माफिया को, लेकिन हमारे मनीष कश्यप क्रांतिकारी जैसे को क्यों नहीं जमानत मिलती? मनीष कश्यप यहाँ पे है, एक तो योगी और मोदी और मनीष कश्यप यहाँ पे है, ये तीन निकल नहीं सकते। जो सुनवाई हुई है, जो मामला आया है, जो फैसला आया है कि एनएससी हट गया, इसको लेकर कितने खुश हैं? इतने लेकर खुश कितने खुश हैं? कई मीडिया पे मैं बोल चुका हूँ मैडम, आप हमें परमिशन दिला दो, 1500 रुपए मैं यहाँ फोड़ के जाऊँ, 1500 रुपए मैं घर पे फोड़ूंगा पटाके दिन में, क्योंकि रात में फोड़ूंगा तो कहेंगे हे ये झूठा मनीष कश्यप का सपोर्टर है, अरे ये तो दीपावली त्यौहार मना रहा है, जब कोर्ट से ऑर्डर मिल गया दिल्ली में, इसलिए मैं दिन में फोड़ूंगा मनीष कश्यप खुशी से 1500 रुपए के, और 1500 रुपए के मैं अपने घर पे फोड़ूंगा, दिन में फोड़ूंगा, रात को मैं नहीं फोड़ूंगा। ताला टूट गया, मनीष भैया छूट गया, छूट गए समझ लीजिए, एक दो दिन बाद मिल जाएगी जमानत, नहीं ऐसे हट गया ना तेजस्वी यादव के मुंह काला हो गया, अब बस ये कमी रह गई है कि अगले इलेक्शन में इसे गधे पे बिठा ले किसी की विदा कर दो जैसे अखिलेश कर दिए टोटी चोरी की। मैम जेल का ताला टूटेगा, मनीष भैया छूटेगा।